मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं डीमोनेटाइजेशन के 50 दिनों के बाद आपके सामने आया हूं। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि 50 दिनों में हमने क्या क्या हासिल किया है। हमने केजरीवाल को, उस मफलर वाले आदमी को ऐसे मजबूर कर दिया कि अगले 10 दिनों में वो जंतर मंतर पर बैठेगा, और वो भी स्ट्राइक करने के लिए नहीं, कटोरा लेकर बैठेगा। सबसे बड़ी सफलता हमने ये हासिल की है कि मनमोहन सिंह बोला, मित्रों, जनता जनार्दन का हमसे ये सवाल रहा है कि किसी करोड़पति को लाइन में ठहरे देखा है? मैं बताता हूँ, देखा है। राहुल गांधी लाइन में ठहरा था। मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि डीमोनेटाइजेशन करके ना मैंने अपनी देश की जनता को उसके बीवियों से बचाया है, उनके अत्याचारों से बचाया है, उनकी कमाई का एक हिस्सा है ना उनकी बीवियों ने घरों में छुपा रखा था, सब बाहर निकल गया। देश के पति खुश है। जो लोग गरीब दोस्तों की मदद नहीं करते थे ना मेरे देशवासियों, वो लोग भी अब ना अपने गरीब दोस्तों के अकाउंट में पैसा डालकर सुदामा के कृष्ण बन रहे हैं। और तो और मेरे भाई और बहनों, इस 2000 के नोट के फीचर्स को देखकर जो राहुल गांधी है ना, उसने अपना सैमसंग का फोन बेच दिया। सोच रहा है 2000 में जब आईफोन के फीचर्स मिल सकते हैं तो सैमसंग क्यों यूज करूं। मित्रों, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि नोटबंदी के पीछे असली कारण क्या है। ये राहुल गांधी और केजरीवाल दोनों मिलकर मेरे पास आए, और एक ने 1000 का और एक ने 500 का नोट निकाल कर मेरे मुंह पे मारा, बोला, तू चाय वाला है, चाय लेके आ। मित्रों, मैं भी मोदी हूं, मेरी भी जलती है। मैंने कहा, तुम्हारे पैसे का बहुत गुरूर है ना तुमको, चलने नहीं दूंगा। मैंने बंद कर दिए। अब ये केजरीवाल और राहुल है ना, पानी पीने के लायक भी नहीं रहे। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग जी मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। 15 तारीख को एक और अच्छे वीडियो के साथ आऊँगा। मित्रों, धन्यवाद।